हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक टाइम्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कैसे आप लोग डेट्रॉयड बिकम ह्यूमन को अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस गेम को परचेस कर लेना होगा। इस गेम को आप लोग परचेस कर सकते हैं स्टीम से या फिर एपिक गेम स्टोर से। मैं इस वीडियो में एपिक गेम स्टोर वाला वर्सन नहीं दिखाऊंगा, बट स्टीम वाला वर्सन दिखाऊंगा। पर अगर आप लोग एपिक गेम स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इन दोनों वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते कैसे स्टीम से गेम परचेस करते हैं, मेरे चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो है इसके बारे में, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। जब आप लोग इस गेम को परचेस कर लेंगे, ये गेम आपके लाइब्रेरी सेक्शन में ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये गेम मेरे लाइब्रेरी सेक्शन में ऐड हो चुका है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर जो ड्राइव है उसको सिलेक्ट करेंगे। ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को EULA को एग्री कर देना होगा, एक्सेप्ट कर देना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। चलिए डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इस गेम को प्ले करके देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने डाउनलोड कंप्लीट कर दिया है। चलिए प्ले करके देख लेते हैं। ये रहा गेम और प्ले कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने गेम को सक्सेसफुली प्ले करना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही आप लोग गेम को प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हैव ए नाइस डे गाइस, बाय।